हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम। मैं पंडित सिंह मिश्र शनिवार दिन जिसका भी नाम लिख करके जैसे जैसे बता रहा हूं, जहां जहां बता रहा हूं, उसमें आप रख देंगे या रख देंगी, उसका पल भर में क्षण भर में हो जाएगा वशीकरण। अगला आपका शत्रु ही क्यों ना हो, या कोई आपका मित्र था अचानक से आपका शत्रु हो गया हो, या किसी से आप प्रेम करते हो और धीरे धीरे दूरियां बढ़ते बढ़ते वो आपका शत्रु हो गया है, तो यह प्रयोग आजमाइएगा, मगर श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ। अपने आप में बहुत चमत्कारिक, बहुत ही हजारिक और सबसे सरलतम प्रयोगों में से प्रयोग है। इसका भूल करके भी दुरुपयोग ना करें। जब भी आप वशीकरण का प्रयोग करें तो मन में श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा और विश्वास साथ यदि आप कोई प्रयोग करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आप अनेकों प्रयोग आपने किया है और आपको सफलता नहीं मिली है तो बिल्कुल निराश होने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। हमारी भारतीय विद्याओं में, भारतीय साधनाओं में इतनी क्षमता है, इतनी दिव्यता है, इतनी भव्यता है कि विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान पल भर में क्षण भर में दूर कर सकती है। और आप अपने घर बैठे जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान हमारे माध्यम से करा सकते हैं। मैं अपनी भारतीय विद्याओं के माध्यम से, भारतीय साधनाओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान और उचित मार्गदर्शन करूंगा। इसके लिए आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। तमाम बहनों भाइयों से मैं अनेकों बार आग्रह कर चुका हूँ, रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि कृपया फ़ोन कॉल का प्रयोग ना करें, व्हाट्सएप का प्रयोग करें। अनेकों माताओं बहनों के कॉल आते हैं, भाइयों कॉल आते हैं, सबका नंबर रिसीव नहीं होता है, उनके मन में भी थोड़ा सा कष्ट होगा। इसलिए मैं दोबारा आग्रह करूँगा कृपया व्हाट्सएप पर मैसेज करें। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो सर्वप्रथम अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके प्रयोग करें, सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और रिप्लाई में आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूँ तो आप समझ जाएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम चलते हैं आज के प्रयोग विधि पर। इस प्रयोग में जिन चीज़ों को सकता है उसमें एक भोजपत्र है, लाल चंदन है और शहद है। और नाम लिखने के लिए आप चाहें तो किसी कलम का प्रयोग कर लीजिए, अनार कलम, या अपनी उंगली से ही लिख दीजिएगा। भोजपत्र पर लाल चंदन से आपको नाम लिखना है, किसका, जिसका आपका वशीकरण करना है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, शत्रु ही क्यों हो, कोई भी हो। और फिर उसको शहद के डब्बे में, एक डब्बे में इसको डाल करके, ऊपर शहद डाल के इसको बंद करके कहीं रख देना है। मात्र इतना करने से देखिएगा हो जाएगा चमत्कारिक, असाधारिक और सबसे अमोघ वशीकरण। श्रद्धा भाव और विश्वास करिएगा। धन्यवाद। राम राम।